नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। कठुआ में यात्रा बारिश के बीच हो रही है और इसके बाद ही लोगों में उत्साह बना हुआ दिखाई दे रहा है। कड़ाके के ठंड के बीच राहुल गांधी ने जैकेट पहन लिया है और यात्रा सुबह 8 बजे इटली मोड़ से शुरू हुई जो अरोडिया तक चलेगी। और इस बीच ही राहुल आपको बता दें कि 16 प्रतिबंधी मंडल से मुलाकात भी करेंगे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा कल शाम जम्मू कश्मीर पहुंची थी और पंजाब को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाले रावी पुल को पार कर यात्रा प्रदेश की धरती पर पहुंची। और नेकपा नेता फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना नेता संजय राउत और जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने यात्रा का अभिनंदन किया है। और इस दौरान ही राहुल गांधी ने कहा कि वो कहना चाहते हैं कि आप किसी भी धर्म जात के हो, बच्चों या बुजुर्ग हो, आप इस देश के हैं। और उन्होंने कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत है और अगले 9-10 दिन आपके दिल का दर्द जो दुख है उसे बांटने आया हूं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर से प्रवेश कर चुकी है और जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। कठुआ में बारिश के बीच शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और बारिश के बाद भी लोगों में उत्साह बना हुआ है। कड़ाके की ठंड के बीच बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं और 26 जनवरी तक यह यात्रा जम्मू रीजन के अलग अलग जिलों में चलेगी और यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा को आम जनता के साथ साथ सहयोगी दलों का भी साथ मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों के नेता भी इस यात्रा में शामिल होते जा रहे हैं। और आज जब कठुआ से यात्रा शुरू हुई तो शिवसेना के सांसद संजय राउत भी यात्रा में शामिल हुए। संजय राउत भी राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं और इस अवसर पर संजय राउत ने कहा कि मैं शिवसेना की तरफ से आया हूं और देश का माहौल बदल रहा है और मैं राहुल गांधी को आवाज उठाने वाले नेता की तरह देखता हूं। उनके समर्थन में भीड़ उमड़ रही है और लोग जुड़ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच काफी समय से सियासी घमासान जारी है और गहलोत ने इस बार पायलट का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साध दिया है। हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि महामारी के बाद पार्टी में बड़ा कोरोना आ गया है। ये वीडियो गहलोत की बुधवार को कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व बैठक का है और गहलोत ने बैठक के दौरान एक प्रतिभागी को जवाब देते हुए बिना किसी का नाम लिए कहा कि मैंने मिलना शुरू किया है, पहले कोरोना आया, हमारी पार्टी में भी एक बड़ा कोरोना घुस गया है। उपचुनाव या राज्यसभा चुनाव के बावजूद सरकार कर्मचारियों के सहयोग से बेहतरीन योजनाएं लाई है और गहलोत की टिप्पणी को पायलट के अपनी सरकार पर बार बार हमले के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। और सचिन पायलट सोमवार से कई जिलों में अपनी जनसभाओं में ही पेपर लीक पार्टी कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने और सेवानिवृत्त नौकरशाहों की राजनीतिक नियुक्तियों के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दिसंबर 2018 में ही कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही गहलोत और पायलट के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चल रही है। झांसी MLC चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रहे अशोक राठौर ने भाजपा छोड़ दी है, लेकिन पुनः उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने मंच के माध्यम से अवगत कराया कि वो भाजपा में 20 सदस्यों के साथ मिलकर शामिल हुए। उसके साथ वो MLC चुनाव में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी के साथ रहेंगे और भाजपा नीति के तहत काम करेंगे। जो इलाहाबाद झांसी शिक्षक खंड है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी जी हैं, वह और हम मिलकर के इस क्षेत्र से संबंधित या प्रदेश से संबंधित जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, समस्याएं निश्चित तौर पर सरकार ही हल करेगी, केवल विपक्ष हल नहीं कर लेगा। इसलिए शिक्षकों की समस्याएं हल हों, हम भारतीय जनता पार्टी में आसान।
झांसी में दबंगों द्वारा खुलेआम बंदूक की नोक पर दहशत फैलाने की कोशिश करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो टहरोली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें दबंगों द्वारा खुलेआम चौराहे पर धमकी दी जा रही है। झांसी जनपद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे पूरे जनपद में हड़कंप मच गया है। जिला अधिकारी के साथ साथ अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे ने न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने का आवेदन दिया है और इस बात के दायर होने के पूरे जिला प्रशासन में खलबली मच गई है। बताते चले कि पूरा मामले में अधिवक्ता का आरोप है कि उसका एक महीने का वेतन रोक दिया गया और इसके साथ ही आरोप लगाया गया है कि अनुसूचित जाति में होने के कारण उसका दोहन किया गया है और वही मामले को ACST एक्ट कोर्ट में दर्ज कर दिया गया है। तो झांसी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर SC ST कोर्ट में आवेदन दिया गया है। बताया जा रहा है कि DM सहित अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रेया को अधिमिता के क्षेत्र में ही प्रदेश के पटल पर लाने को जिला अधिकारी PC श्रीवास्तव ने मुहिम छेड़ दी है और जिलाधिकारी औरैया ने शहर में उद्यमियों के साथ इन्वेस्टर्स रोड को निकालकर उनमें जोश भरा है, जिसमें जिले के उद्यमी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इसके साथ ही आज जिला मुख्यालय पर जिला सत्रीय इन्वेस्टर समिट की बैठक होगी। जिलाधिकारी औरैया PC श्रीवास्तव के नेतृत्व में शहर के JC's चौराहे से इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया, जिसको जिलाधिकारी PC श्रीवास्तव ने झंडी दिखाकर रैली रवाना किया है। रोड शो में शामिल लोग JC's चौराहे से होते हुए जिला अस्पताल मार्ग, संजय गेट, सुभाष चौक और दिव्यापुर रोड होते हुए सदर तहसील पहुंचे, जहां तहसील सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया और इस दौरान जिलाधिकारी ने उद्यमियों से कहा कि जिले को प्रदेश के मुख्य पटल पर लाने में जिले के व्यापारी की अहम भूमिका होना जरूरी है और जिले के विकास के लिए उद्यमी से उद्यमियम अलग अलग क्षेत्र में अपनी आर्थिक क्षमता के आधार पर निवेश करके सहयोग करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन की एक मंशा है कि सारे देश के, विदेश के और अपने गांव से भी इवेन अगर किसी के पास धनराशि है तो वो आगे बढ़े, अपना खुद का उद्योग लगाए, खुद का व्यवसाय करे, खुद का एग्रो सेक्टर में कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट करे। इसके लिए 10 से 12 जो फरवरी को लखनऊ में एक इन्वेस्टमेंट समिट की जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग विनियोग करें। इसके लिए तमाम माननीय मंत्री जी लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, तमाम हमारे अधिकारी, मुख्य सचिव, सभी लोग विभिन्न देशों में, प्रदेशों में गए हैं और वहाँ से लोगों को प्रेरित किया है कि अब उत्तर प्रदेश का ऐसा माहौल है, इतना हमने रोड का जाल बिछा दिया, इतना हमने एयरपोर्ट कर दिया, इतने भयमुक्त वातावरण कर दिया। ललितपुर में 2 सगे भाइयों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिनको घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। घायलों में एक भाई राजेश घायल हुआ है तो वहीं देवरानी जेठानी भी घायल हुई है। वहीं घटना की जानकारी जो है पुलिस को दे दी गई है और पुलिस ने दोनों भाइयों की तरफ से शिकायती पत्र लिया है और जाँच में जुट गई है। पीलीभीत के कोतवाली पूरनपुर पहुंचे IG बरेली परिक्षेत्र बरेली डॉक्टर राजकेश सिंह ने थाना पूरनपुर पर क्षेत्र के लोगों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और इसी दौरान IG ने व्यापारियों और लोगों की समस्याओं को सुना और प्रभावी निरीक्षक पूरनपुर को उनकी समस्याओं से प्राथमिक से निस्तारित करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। बिजनौर SP दिनेश सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग अभियान के क्रम में ही कोतवाली नगर पुलिस द्वारा ही मुखबिर की सूचना पर रोडवेज बस स्टैंड के निकट प्रभात गुप्ता की बंद कोठी के बाहर रखे खोखे के पीछे रोडवेज बस यात्रियों के साथ लूटपाट की योजना बनाते हुए अभियुक्त मनीष राशिद कार्तिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं और पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया अभियुक्त राशिद गिरोह का सरगना है, जो पकड़े गए आरोपियों के साथ मिलकर लूट की घटनाओं को अंजाम देता है और चोरी लूट से प्राप्त धन को वे सभी आपस में बांट लेते हैं। सर, बदमाशों को पकड़ा है, क्या पूरा मामला है? देखिए, बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि प्रभात गुप्ता की कोठी है रोडवेज बस अड्डे के पास, उसके पीछे एक खोखा है, उस खोखे के पास 3 लड़के खड़े हैं
जो बस यात्रियों से किसी वारदात करने की फिराक में है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर नरेंद्र गौड़, इंस्पेक्टर अपराध कोतवाली नगर बीरेंद्र सिंह, एसएसआई कोतवाली नगर मीर हसन और इनकी टीम पहुंची वहां पर, इनकी घेराबंदी करके इनको पकड़ा। मामला बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा गांव का है, जहां पर बेखौफ वन माफियाओं द्वारा बिना परमिट के हरे भरे प्रतिबंधित पेड़ काटे जा रहे हैं। लगातार क्षेत्र में वन माफियाओं हरे भरे प्रतिबंध पेड़ों को काटकर हरियाली को नष्ट करने में लगे हुए हैं। वहीं वन माफियाओं में पुलिस और वन विभाग की कार्रवाई का खौफ नहीं है। वहीं मौके पर पहुंचे वन विभाग कर्मचारियों ने मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के स्कूल में नया सवेरा अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे एसपी दिनेश सिंह ने तीन युवकों को नशा मुक्ति केंद्र में उपचार कराकर समाज की मुख्य धारा में शामिल कर उन्हें सम्मानित किया और कार्यक्रम में उपस्थित सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई है। इस अभियान के तहत कितने लोगों को आपने उसका छुटकारा दिलाया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जनपद में विगत 5 महीनों से एक नया सवेरा अभियान चल रहा है, जिसको कि मैं कहूँगा एक होलिस्टिक अभियान है। 360 डिग्री पर हम काम करते हैं। एक तरफ नशा बेचने वालों को उठाना घात, जिस क्रम में मैं कहूँगा कि मेरे जनपद में बहुत अधिक सतर्कताएँ अर्जित की गई हैं। दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जो भटक रहे हैं, उन्हें वापस मुख्य धारा में लाना। इस समय करीब 16 बच्चे विभिन्न नशा मुक्ति केंद्रों में मेरे इस समय आत्मसंघर्ष कर रहे हैं। मैं इन्हें आत्ममुक्ति संग्रामी कहता हूँ। और मेरे ये 120 दिन की कठोर साधना के बाद ये तीन बच्चे आज, मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर इन पर कृपा करेगा और ये लोग अपने जीवन को नशे की गिरफ्त से बहुत दूर निकलने के बाद पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से अपनी ऊर्जाओं को इकट्ठा करते हुए अपना जीवन जिएंगे और समाज के सामने एक मानदंड स्थापित करेंगे। और ऐसे बच्चे जो अभी झटके हैं और छटपटा रहे हैं वापस लौटने के लिए, उनके लिए प्रेरणा बनेंगे। और मैं निश्चित रूप से उनके लिए भी, हमारा पूरा समाज, हम सब मिल करके कार्रवाई करेंगे। और नया सवेरा अभियान का जो दूसरा पहलू है कि बच्चों को वापस ही, जो भटके बच्चे हैं उनको मुख्यधारा में वापस लाना, उसमें हम सफलता दें। तो बिजनौर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर नया सवेरा अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को और इसके साथ ही अन्य लोगों को भी नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई है। बता दें आपको कि नया सवेरा अभियान में लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। लगातार युवाओं के नशे के प्रति जो संवेदना है वो देखने को मिलती है। युवाएं जो हैं वो नशे की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नया सवेरा आयोजन किया गया, जहाँ पर युवाओं को जागरूक करने के लिए और नशा मुक्ति के लिए ही ये आयोजन किया गया और इसके साथ ही युवाओं को शपथ भी दिलाई गई है। इटावा में हाईवे किनारे खड़े ट्रकों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार चोरों के पास से 5,800 रुपए की नकदी, एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और धारदार चाकू, एक अटिंगा कार बरामद की गई है। आपको बताते चले कि गिरफ्तार चोरों ने बीते 15 जनवरी को थाना चोबिया क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में किनारे खड़े ट्रक से मोबाइल फोन और नकदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। तो खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर में किसान मजदूर संगठन ने कार्यकर्ताओं और किसानों के मांगों को लेकर ही जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष ठाकुर अजब सिंह ने कहा कि किसानों की समस्याएं और कई मांगों को लेकर ही धरना दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में किसानों के लिए घोषणा की थी, किसानों को 14 दिनों में गन्ना भुगतना और इसके साथ ही कराया जाए और 14 दिन तो क्या पिछले सत्र का गन्ने का भुगतान भी नहीं हो पाया है। फतेहपुर में विद्युत संहिता कर्मचारी पिछले 12 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनका बकाया 2 महीने का वेतन, पीएफ में हुए भारी घोटाले और घायल
विद्युत संविदा कर्मियों को उचित मुआवजा दिया जाए। आरोप है कि इसको लेकर कई बार जिले के सांसद सहित जिले के विधायकों को और अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया गया है, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और जहां जिले के अधिकारियों द्वारा इनको समझाने का भी प्रयास किया गया है, लेकिन ये लोग जिले के अधिकारियों की बात को भी नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग अपना धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। लोग धरने में बैठे हैं, कौन सा दिन है? देखिए, आज हमारे धरने का 12वां दिन है। हम लोगों की जेन्युइन समस्या है, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जब तक हमारा हक नहीं मिलता तब तक हम लोग इस प्रांगण को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। रोज की तरह हम लोग अभी तक डटे रहेंगे। कौन सा दिन है आज? हमारे संगठन का जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन का आज 12वां दिन पूरा हो चुका है। इसमें जिले के बिजली के संविदा कर्मचारियों का संगठन को अच्छा सहयोग मिल रहा है और इसी वजह से धरना प्रदर्शन आगे लगातार चलेगा। तो फतेहपुर से आपको खबर बता रहे हैं, विद्युत संविदा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें, 2 महीने से वेतन न मिलने से ये कर्मचारी लगातार परेशान हैं और इसके साथ ही उनका कहना है कि जो घायल कर्मचारी है, काम को लेकर जो घायल हुए हैं उनका उपचार और इसके साथ ही उनको मुआवजा दिया जाए। लगातार कर्मचारी वेतन को लेकर परेशान है, 2 महीने से इनका वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर अब धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। फिरोजाबाद में बस यात्रियों का मोबाइल चोरी कर भाग रहे एक चोर को भीड़ ने घेराबंदी कर दबोच लिया है और जमकर धुनाई भी कर दी है। बाद में कुछ युवकों के समझाने पर भीड़ ने चोर को सुभाष चौराहे पर तैनात पुलिस को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने चोर के पास चोरी किया गया एक मोबाइल बरामद कर लिया है। बाद में थाने की गाड़ी मौके पर पहुंची और चोर को पकड़कर थाने ले गई, जहां पुलिस द्वारा पकड़े गए चोर से पूछताछ जारी है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमित शर्मा। अच्छा, बरेली से आया हुआ हूँ, यहाँ सच के साथ में आया था। जब मैं बस में चढ़ रहा था तो ये पीछे से इन्हें जेब में हाथ डाला, दो फोन लेके निकाल के, एक फोन फेंक दिया और एक फोन इसके साथ में है। अच्छा, ये फोन इसको पकड़ लिया है या फोन दे दिया है? कह रहा मेरे पास फोन नहीं है। यूपी में आगामी एमएलसी चुनाव को देखते हुए सपा और भाजपा के चुनाव प्रभारी नेताओं ने अपने अपने जिलों में लोगों से मिलकर अपने पक्ष मतदान के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर महाराजगंज कुशीनगर के चुनाव प्रभारी सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य का महाराजगंज दौरा पर ही आगामी एमएलसी चुनाव में सपा की जीत का दावा किया है। सपा नेता ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा राज में पूरा प्रदेश कुशासन और जकता का शिकार बन गया है और जनता का त्राही त्राही कर रही है, नौजवान नौकरी के लिए तरस रहा है और सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं और किसान महंगाई की मार से पीड़ित है, जहां गरीब को और गरीब अमीर को अमीर बनाने के लिए जो सरकार की साजिश चल रही है उसके पूरे प्रदेश में भय का वातावरण है, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि जनता की जवाबदेही को लेकर इसी क्रम में ही एक चुनाव जीतने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में सपा ने 3 में से 2 पर जीतने में कामयाबी जो है वो हासिल कर ली है। फिरोजाबाद में एक त्रिशूलधारी शराबी बाबा को मंदिर के पास बैठे महिलाओं से अश्लील हरकतें करना महंगा पड़ गया है। काली मंदिर पर पहले से बैठे बाबा ने शराबी बाबा को लाठी से जमकर पीटा और मारपीट होते देख राहगीरों ने दोनों में बीच बचाव कराकर शराबी बाबा को मंदिर से भगा दिया है। घटना फिरोजाबाद के ही थाना टुंडला क्षेत्र के स्टेशन रोड पर मौजूद काली मंदिर की घटना बताई जा रही है, जहाँ एक शराब के नशे में धुत बाबा घूमता फिरता स्टेशन के पास में काली मंदिर पहुंचा और काली मंदिर के पास पहले से कई बाबा और बाई बैठे थे और इसी दौरान शराब के नशे में धुत बाबा वहां पर बैठी एक महिला से अश्लील हरकतें करने लगा। त्रिशूलधारी बाबा की हरकतें देख मंदिर पर बैठे बाबाओं ने जब विरोध किया तो शराबी बाबा ने हाथ में मौजूद त्रिशूल से अन्य बाबाओं पर हमला बोल दिया। हमले में एक बाबा बाल बाल बच गया, जिसके बाद काली मंदिर पर रहने वाले बाबा ने शराब बाबा को लाठी से जमकर पीटा और मारपीट होते देख राहगीर इकट्ठा हो गए और शराबी बाबा को बचाकर वहां से भगा दिया और मामले को शांत करवाया गया।
उन्नाव में पिता की डांट से मासूम ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। जहरीला पदार्थ खाने से 11 वर्षीय बच्चे की हालत बिगड़ गई है। गंभीर हालत में आनन-फानन में परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मासूम युवक की बता दें बच्चे की ही हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना बांगर मऊ कोतवाली क्षेत्र के पलिया गांव की बताई जा रही है। बता दें आपको उन्नाव से खबर है जहां पर पिता की डांटने पर ही बच्चे ने जहरीला पदार्थ खा लिया। बता दें आपको कि बच्चा नाबालिग है और जिसके बाद बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जालौन में फिर आग का तांडव देखने को मिला है, जहां एक कपड़ा दुकान में भीषण आग लग गई है, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के खोया मंडी का है। यूपी के पीलीभीत में जनरल मर्चेंट में मुनीम के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 7 बताए जा रहे हैं बदमाशों को थाना सुनगढ़ी पुलिस ने 4,28,000 की लूटी गई रकम और अवैध असलह के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक उधम सिंह नगर, एक बरेली और एक रामपुर और 4 पीलीभीत के रहने वाले हैं। IG ने लूट की घटना का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपये नगद पुरस्कार जो है वो देने की भी घोषणा कर दी है। इटावा में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत गुरुग्राम में औरैया जा रहे बाइक सवार 2 बाउंसर की हाईवे के पुल पर रेलिंग से टकराने के बाद बाइक समेत 40 फीट नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे में मरने वाले दोनों बाइक सवार युवक गुरुग्राम में एक प्राइवेट मॉल में बाउंसर की नौकरी करते थे और छुट्टी लेकर अपने घर औरैया जा रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।